जिंदगी में पहली बार मुंबई आई हूँ और वो भी ऐसे छुपते छुपाते। पता नहीं ये सामान भी कहाँ मिलेगा। ले तो लेते हवाई अड्डे वाले, पता नहीं कब वापस देंगे सामान। सांस भी नहीं ले पा रहे। अच्छा सुनिए बहन जी, वो सामान कहाँ मिलेगा? आप कौन सी फ्लाइट से आ रही हैं मैम? अरे वो जो अभी इंदौर से आई ना। तो आपको थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? चेकिंग होते ही आपको आपका सामान मिल जाएगा। इससे अच्छा तो मैं ट्रेन से आती, अपना सामान तो साथ ले आ सकती थी ना। आपको वेट तो करना ही पड़ेगा मैम। मुझे कॉफी पीनी है। अरे करण अभी तो आपने कॉफी। अरे वो बहुत कड़वी थी, मुझे वो कोल्ड वाली पीनी, आइसक्रीम वाली। करण प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है अभी आपको दिलाते हैं। और कुकीज भी, मयंक ने कहा था कि। अच्छा बाबा ठीक है। और एक दो पेस्ट्रीज भी ले लेंगे। आभा ने मुझे नहीं देखा वरना मेरी अभी यही क्या कहते हैं रिटर्न टिकट कट जाती। उसका फोन आया। हेलो मैंने अभी अभी उन तीनों को मुंबई हवाई अड्डे पर देखा। अरे पता है आपको मैं तो आभा को मुझे देखने वाली थी मगर मैं तो शीतल हूँ ना मैं। हेलो 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 क्या इक्विपमेंट अभी तक बुक नहीं हुआ? दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, मैंने तो बुक किया था ना। आई डोंट रियली केयर। देखिए सुनिए मैं आते पहले करण का ऑपरेशन करूंगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ऑलराइट यू अंडरस्टैंड? बुक नहीं किया तो अब कीजिए। थैंक्स। ओए रब्बो देख तो नहीं चलती थी अंडी। अरे अजीब हो रहा है, खुद ही टकराती है और खुद ही हमें अंधा कह रही है तू। बोल दे बेटा बोल दे, अभी मेरी मजबूरी चल रही है ना, कहीं बाहर मिल तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। ओए रब्बो तू मेरा मुंह नोच लेगी? हाँ। अरे तू क्या मुंह नोचेगी? अरे बाल खींच के तुझे गंजीना बनाना, तो मेरा नाम भी कुटुंब नहीं है और दिल्ली से हूँ चांदनी चौक से। ओ मम्मी चुप हो जाना यार, ये क्या चिल्लन चिल्ल लगा रखी मम्मी को चांदनी चौक है क्या? चुप। आंटी तेरा क्या चक्कर है, इतना धीमे धीमे क्यों बोल रही है? तेरा तो दिखा, तेरा दिखा। वो तेरे की बेटे आंटी नहीं है तो आइटम है। खुशामदीद क्या उसने क्या आता है? आप जैसे नारकली पे मेरा दिल पिता है। मेरे को लगता है पिछले जन्म में मैं आपका सलीम रहा हूँ। आप याद करके बताओ, आपको याद है पिछले जन्म का? माँ जी आप तो बड़ी हैं और आप भी अरे तो इसे समझाना। माँ जी जो भी है आपस में निपटा दीजिए, ऐसे तमाशा मत करिए। डॉक्टर रॉय वेट कर रहे हैं। हाँ प्लीज। थैंक यू मैडम। देखा मिसेस वीरेन,
हम आभा करण प्रसाद हैं। मिस्टर वीरेन। नहीं नहीं मैं करण। ये हमारे पति हैं करण, मिस्टर वीरेन हमारे साथ आए हैं। आपको कुछ जानना है? सॉरी मैम, आपका लगेज आने में थोड़ा वक्त लगेगा। एक्चुअली दिल्ली से आने वाली फ्लाइट और इंदौर से आने वाली फ्लाइट का लगेज मिक्सअप हो गया है। एक काम कीजिए, आप हमारे लाउंज में जाके थोड़ी देर इंतजार कीजिए, आपके लिए चाय और स्नैक्स का इंतजाम हो जाएगा। एक मिनट, क्या मिक्सअप क्या हो गया? मतलब आपको पता है आपकी लापरवाही की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है हमको? हमको यहाँ से एक बहुत जरूरी ऑपरेशन करने जाना है। आई एम सॉरी सर, आपको वेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, हम वेट करते हैं, प्लीज जाइए, लेकिन जल्दी करिएगा प्लीज। ओके सर। आप तुम्हें काम कीजिए, आप जरा लाउंज में बैठिए, मैं आता हूँ। हेलो, वो मुझे पूर्वी ने आपका नंबर दिया था, उसने कहा था आपसे कोई फाइल कलेक्ट करने के लिए। मैं एक्चुअली यहाँ अराइवल्स पर खड़ी हूँ, तो जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे मुझे फोन कर लीजिएगा। तो ठीक है। पता नहीं इन लोगों ने हमारे सामान के साथ क्या खिलवाड़ की। मैडम जब तक सामान लगे जुड़ जाता है तब तक हम लोग कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। तुझे खाने की पड़ी है, है? मुंबई में पहुँचे नहीं तो ये हाल है, पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। क्या यार, पता नहीं आज क्या हो गया है, जो आता है वो मेरे से टकराता है। मैं क्या मंदिर की घंटी हूँ? यहाँ से आया टर्न, वहाँ से आया टर्न, और मैं बीच में टर्ना टर्न से जाते हैं। सही जगह पर आप पहुंचे, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चल ना कुछ खा लेते हैं। ए सुंदरी, मुंबई का वड़ा पाव मिलेगा तो छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं जल्दी आ रहा हूँ, सीधे घाट को ऊपर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। अरे